तो चलो स्टार्ट करते हैं आज फिर से एक ज़बरदस्त चाट के साथ। ये टमाटर की चाट जो आज मैं बनाने वाली हूँ, इंदौरी टमाटर की चाट, बहुत टेस्टी बनती है। आप एक बार बनाएंगे बनाते रहेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे बॉइल्ड एंड ग्रेटेड पोटेटोज़। इंपॉर्टेंट इज़ टू ग्रेट द पोटेटोज, ऑलवेज रिमेंबर नेवर मैश द पोटेटोज, ओके। सो इसको हम सीजन करेंगे सबसे पहले सॉल्ट के साथ। सॉल्ट ऑलवेज गोज एज पर योर टेस्ट, आपको जितना सॉल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग जाएगा। इसमें डालेंगे थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, इसके अंदर हम डाल रहे हैं चॉप्ड कोरिएंडर, राइट, और हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, दैट्स इट, ओके। एंड आई एम गोइंग टू मिक्स दिस अप। नाउ फिलिंग के अंदर हम इतना लाइट स्पाइस क्यों रख रहे हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितना हम इसको माइल्ड रखेंगे उतना ही हमारा टमाटर की चाट फ्लेवरफुल बनती है, ओके। एंड नाउ हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, ये मैंने यहाँ पे टमेटो के रिंग्स कुछ कट किए हुए हैं, इसमें टमेटो के सीड्स पल्प कर आउट कर दिए है, और इसके अंदर हम इसको स्टफ़ करेंगे। आप एक हाथ नीचे रख के अच्छे से उसे प्रेस करेंगे तो वो इसके अंदर स्टफ़ हो जाएगा। सो इसे अच्छे से कंसील कर देंगे इस तरह से, सो दैट इसके अंदर कोई स्पेस ना रह जाए। एंड सी, दैट्स अबाउट इट। नाउ टमेटो की भी आप देख सकते हैं, मैंने एटलीस्ट 1 इंच की स्लाइस काटी हुई है, तो आप इतना कम से कम थिक स्लाइस लीजिए। एंड सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू विद रेस्ट ऑफ द पीसेस। सो ये अब हमने फिल कर लिए हैं, और यहाँ पे हमारा पैन गरम हो गया है। आप इसे गैस पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल तवे पे बना सकते हैं, एयर फ्राई कर सकते हैं, कहीं भी आपने शैलो फ्राई करना है। अच्छे से ऑयल में हम इसको ग्रिल कर लेंगे। सो मैं यहाँ अपने ग्रिलिंग पैन में ये सब पीसेस को रख रही हूँ। थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर भी डाल देंगे। सो अब इनकी हम साइज चेंज कर देंगे, इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पका लेंगे, इसको दूसरी साइड से भी हल्के हल्के से प्रेस कर देंगे। एक बार और इसकी साइज चेंज करके देख लेते हैं, दोनों साइड से अच्छे से हो गया है। आप देखेंगे बहुत अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ चुके हैं इसके ऊपर। सो अब ये अच्छे से हमारे सब के सब टमेटो पीसेस ग्रिल हो चुके हैं, एंड टाइम टू डिश आउट, ओके। सो आई एम गोइंग टू टेक देम आउट इन अ प्लेट, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे अच्छे से। अब हम इसके लिए दही को रेडी कर देते हैं। दही रेडी करने के लिए हमें इसके अंदर एक छोटा चम्मच शुगर पाउडर या चीनी का बूरा वो डाल देना है, और थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा प्लेन नमक, ठीक है, और इसको हमने मिक्स कर देना है। सो इससे हमारी दही में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, और दही में पानी बिल्कुल नहीं डालना। आपने इसको नॉर्मली बस विस्क से विस्क कर देना है, या किसी मलमल के कपड़े से छान लेना है, क्योंकि अगर आप इसे मिक्सी में जॉइन कर देते हैं तो ये बिल्कुल वाटरी हो जाता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे प्लेट करेंगे। गोइंग टू पुट योर दही राइट ओवर द टॉप, इसके ऊपर अच्छे से दही डाल देंगे, ओके। और इसके अलावा ये मेरे पास नॉर्मल चटनी बनी हुई है इमली की, और मैं इसको डालूंगी इसके ऊपर। लुक एट दैट, अच्छे से आपने इसे मीठी चटनी से ड्रेस कर देना है। एंड देन धनिया पुदीना की चटनी, ये नॉर्मल धनिया पुदीना की चटनी को थोड़ा सा पतला कर देते हैं, सो दैट ये थोड़ी रनी हो जाए। आप इसमें थोड़ा सा टेमरिंड वाटर या इमली का पानी डाल सकते हैं, उसी से ही इस चटनी का टेस्ट आता है। एंड इफ आई टेल यू, इस चटनी के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, बेसिकली धनिया पुदीना हरी मिर्च अदरक ज़ीरा और हींग, इसके अलावा इमली ऐड की है, और इसको थोड़ा सा वाटरी रखना है, तभी आपकी इसमें चाट का इफेक्ट आता है। अब हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे हमारा ब्लैक सॉल्ट फिर से। सो अब हम इसके ऊपर डालेंगे कोरिएंडर पाउडर एंड सम रेड चिली पाउडर,
एंड सम जीरो साइज सेव. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऐड दिस. लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम चॉप्ड जिंजर, सम चॉप्ड बीटरूट, जूलियंस. ओके सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हर चाट की जान रोस्टेड क्यूमिन पाउडर एंड दैट्स अबाउट इट. सो ये रेडी है हमारी टमाटर की चाट. अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं. आई होप यू विल मेक इट अगेन एंड अगेन फॉर योर फैमिली एंड टैग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इन द वीडियो सो दैट आई गेट टू नो कि किस किस ने इसे बनाया. थैंक यू सो मच.